इंस्टॉलमेंट में जो कार वगैरह गाड़ी वगैरह लेते हैं ना, जैसे कि 1 लाख रुपए उसकी कीमत है गाड़ी की, जैसे कि और किस्तों में वो 1,40,000 रुपये में देते हैं, तो क्या इस चीज़ में सूद आएगा या ये चीज़ जायज़ हो जाएगी इस हालत में? इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीदने के बारे में इनका सवाल है। इसमें इसका हुक्म जानने के लिए थोड़ी सी तफसील करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट का मतलब यह है कि कोई सामान हम खरीदते हैं तो उस सामान की दो कीमत हमारे सामने रखी जाती है, दो ऑप्शन हमारे सामने रखा जाता है। अगर अगर आपने ये गाड़ी कैश में लिया तो आपको 1 लाख देना होगा, अगर आप इसे किस्तों में लेना चाहते हैं तो आपको 1,10,000 देना होगा। ये कंपनी वाला आपके सामने दो ऑप्शन रखता है। अब ऐसी सूरत में इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप उस वक्त इख्तियार कर सकते हो, कोई भी दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप इख्तियार कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई इख्तियार नहीं कर रहे हो, उससे पहले ही आप अपना जो खरीदो फरोख्त है उसको मुकम्मल कर रहे हो, तब ये जायज नहीं होगा, क्योंकि खरीदते और बेचते वक्त कीमत मुतय्यन होनी चाहिए। जो चीज आप खरीद रहे हो उसकी कीमत इस तरह से मुतय्यन हो कि बाद में कम ज्यादा होने की कोई गुंजाइश ना हो। तो आपने मान लीजिए चॉइस किया कि मैं इसको किस्तों में लूंगा, गोया कि मैं 1,10,000 पे करूंगा, अब आपके लिए जायज होगा। अब आप किस्तों में उसको 1,10,000 की जितनी भी किस्तें आपके दरमियान इत्तेफाक हुई हैं आप उसे पे करेंगे, लेकिन मौजूदा दौर में इस तरह के मामलात में एक कंडीशन होती है कंपनी वालों की तरफ से कि अगर कोई किस्त आपने मिस किया, अगर कोई किस्त भरने में आपने ताखीर की, तो हम आपके ऊपर इतना जुर्माना लगाएंगे। ये जो शर्त है ये जायज नहीं है। अगर ये शर्त उसके अंदर पाया जा रहा है तो ये सूद है। सूद इसलिए है कि आपने वो गाड़ी 1,10,000 की खरीदी है, अब वो 1,10,000 जो है आपके ऊपर आपके जिम्मा कर्ज है उस कंपनी का। अब जब 1,10,000 से ऊपर जो भी आपको देना पड़ रहा है टाइम की वजह से, इसी को रेबन नसिया कहा जाता है। ये सूद है, ये जायज नहीं है। तो अगर ये कंडीशन है तो जायज नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो जायज है।